भोपाल से शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल राजधानी भोपाल में एक 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का घिनौना अपराध सामने आया है। वहीं इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि मासूम बच्ची के साथ उसी के स्कूल में पढ़ाने वाले एक शिक्षक ने दरिंदगी की है। जानकारी के मुताबिक बच्ची की मां ने इस मामले की शिकायत कमला नगर थाने में दर्ज कराई थी। इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक्शन लिया है। उन्होंने कहा कि भोपाल में एक स्कूल शिक्षक द्वारा 3 साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला संज्ञान में आया है। मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, साथ ही इस मामले में स्पेशल कोर्ट के माध्यम से न्याय दिलाने का प्रयास करूंगा। यह कृत्य अत्यंत घृणित, शर्मसार और निंदनीय है। भोपाल में आज 3 साल की बच्ची का उसके स्कूल के शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म का मामला ध्यान में आया है। आरोपी कासिम रेहान शिक्षक है, जो वहीं स्कूल में था। ऐसी दरिंदगी घटना के लिए मैं निंदा भी करता हूं और मैंने कठोर कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं और चीफ सेक्रेटरी से कहा कि वो हमारे चीफ जस्टिस के साथ मिलकर के जल्द से जल्द इस प्रकरण को स्पेशल कोर्ट गठित करते हुए इसका निराकरण कराने का प्रयास करें।